अंकल, मेरा बिल कितने का हुआ? भोजन करने के बाद रोहन ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारी का इंतजार किया, लेकिन बिल ना मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 65 वर्ष के किशोरी जी ने रोहन को गौर से देखा। लगता है आप यहाँ नए आए हैं। जी अंकल, मैंने आज ही यहाँ इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? किशोरी जी कहते हुए, जी भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं हैं। यहाँ कोई भी आदमी भोजन कर बिना बिल चुकाए यूं ही चला जाए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुनकर किशोरी जी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, लेकिन रोहन ने अपनी बात पूरी की। आप मुझे ही देख लीजिए, भोजन करने के बाद मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई बिल लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया, रोहन कहते हुए। यह कहते हुए रोहन ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। बेटा, असल में मेरे ढाबे का यह नियम है कि यहाँ भोजन करने वालों को भोजन का कोई बिल नहीं दिया जाता, रोहन हैरानी से कहते हुए। मैं कुछ समझा नहीं, यहाँ भोजन करने का बिल कितना हुआ? यह तो बता दीजिए। 5 रुपये। मात्र 5 रुपये? रोहन को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन भला 5 रुपये में ग्राहक को कैसे खिला सकता है? दाल चावल, रोटी सब्जी, पापड़, सबका मिलाकर मात्र 5 रुपये? अंकल, हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 5 रुपये ही होता है। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? ऊपर वाले की कृपा है बेटा, जो जीवन भर कमाया है वह सब यहीं छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। यह कहते हुए किशोरी जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। रोहन मन ही मन कुछ सोचने लगा, और उस मजदूर के वहां से जाने के बाद रोहन ने किशोरी जी से एक और सवाल पूछ लिया। अंकल, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। किशोरी जी कहते हुए, हाँ बेटा, वजह तो है, बताइए ना अंकल। रोहन जिद कर बैठा तो किशोरी जी ने उस राइस मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लादते मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, ये मजदूर जितनी भारी अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा लेते हैं, उनकी दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वह बोरी भर अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सके। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला रोहन किशोरी जी की बात से सहमत हुआ। किशोरी जी कहते हुए, बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद भूखा ही रह जाता है। आप सही कह रहे हैं अंकल, रोहन कहते हुए। अंकल, अगर आपका ढाबा हमारी राइस मिल के बगल में नहीं होता तो जेब में रुपए होते हुए भी शायद आज मैं भूखा ही रह जाता। रोहन बखूबी जानता था कि चाय बिस्कुट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर किशोरी जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा बात करते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब को मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपके पिताजी की बात से मैं भी सहमत हूँ। अंकल, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ। अंकल, ज़रूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपका मुनाफा क्या होता है? रोहन किशोरी जी से सवाल पूछते हुए। किशोरी जी सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूरों की ओर देखते किशोरी जी मुस्कुराए। भोजन कर तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले हुए चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर रोहन पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन आज अचानक गरीबों के एक फरिश्ते से मिलकर वह भी पहली बार खुद को इतना तृप्त महसूस कर रहा था।
अंकल ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई से एक बोरी अनाज खरीद कर किसी जरूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं जरूर सक्षम हूँ। लेकिन एक बोरी अनाज किसी एक जरूरतमंद को देने से अच्छा है कि मेरा किया हुआ यह दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई जरूरतमंदों के पेट में जाए यह कहते हुए। तो दोस्तों, आपको यह लघु छोटी सी भावुक कहानी कैसी लगी और आपके दिल को कहानी का कौन सा हिस्सा छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो ये मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।